हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें चेक करना है राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू है या फॉल्स है चेक करना है, उसको पॉसिबल है कि नहीं, जस्टिफाई भी करना है। ट्रायंगल एबीसी है, क्या बनाया जा सकता है अगर ए बी 5 सेंटीमीटर हो, एंगल ए 45 डिग्री हो, बी सी प्लस सी सी दोनों का समी कितना हो 5 सेंटीमीटर हो, कैसा होना पॉसिबल है। तो देखो, इसको जो वेरिफिकेशन है हम किस तरीके से करेंगे। हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड हैं, जैसे मान लो ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, कोई भी दो साइड, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि दो साइडों का जो सम होता है ट्रायंगल की ऑलवेज ग्रेटर देन होता है तीसरी साइड से। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है बी सी प्लस ए सी, दो साइड ली मैंने, एक तो बी सी और एक ए सी, इन दोनों का जो सम होगा बड़ा होगा किससे, ए बी सी। दोनों का सम कितना दे रखा 5, जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसी का यूज़ करना है। ए बी कितना दे रखा 5, 5 बड़ा होता है, इस साइन का मतलब है बड़ा, 5 बड़ा होता 5 से। क्या बात सही है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। 5 और 5 दोनों तो बराबर होते हैं, इक्वल कभी नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी, ये क्या होगी, फॉल्स होगी। इसीलिए हमारा ट्रायंगल एबीसी बना जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रायंगल एबीसी कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। बोला ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर बीसी 6 सेंटीमीटर हो, सी 30 डिग्री का एंगल हो, एसी माइनस एबी 4 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, दो ट्रायंगल का जो दो साइडों का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को मेंशन कर देता हूँ, तो स्टेटमेंट मैंने मेंशन कर दी है। ठीक, अब दो स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक बीसी और एक लिया एबी, इन दोनों को लिया एबी प्लस बीसी, दोनों का जोड़ हमेशा बड़ा होगा, तीसरी साइड कौन बची, एसी। हमारे पास तो कौन है, ए सी माइनस ए बी है। ठीक है, तो पॉजिटिव का जो ए बी है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। यहाँ कौन बचा, बी सी, बी सी कितना हमारे पास 6 बड़ा होगा, ए सी माइनस ए बी कितना है 4, 6 बड़ा होगा 4 से। क्या ये बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो यानी कि ट्रू, ऐसा ट्रायंगल बनाया जाना पॉसिबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे जो नंबर दे रखे मैथमेटिकली वो हमारी स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैंने स्टेटमेंट तो ये यूज़ की थी, बाकी तो इनको तो इंटरचेंज किया गया, प्लस का था अगर आगे माइनस का हो गया, दोनों का डिफरेंस 4 है, यहाँ पे 6 है, 6 बड़ा होता है 4 से, ये बात ट्रू है, इस वजह से एक ट्रायंगल बनाया जाना पॉसिबल होगा। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे, तो यहाँ लिख दिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी विद द गिवन कंडीशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इस ट्रायंगल को बनाया जाना पॉसिबल है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया एक ट्रायंगल है ए बी सी का क्या कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बी एंगल है 105, सी एंगल है 90 डिग्री, इस बार तीनों साइडों का सम है 10 सेंटीमीटर। तो देखो, दो साइडों या एक साइड का तो हमें अलग अलग इवन है, ये तो साइडों से तो हम निकाल नहीं सकते, इस बार यूज़ करेंगे एंगल का। ठीक है, मान लो कोई भी मेरा एंगल है कुछ इस तरीके का, कोई ट्रायंगल है लाइक ए बी एंड सी, ये मेरा 90 डिग्री एंगल दे रखा है, एंगल बी 105 डिग्री दे रखा है, एंगल ए मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, इसको हमने प्रूफ किया था एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये होता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना होता है हमें। एंगल ए मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, एंगल बी 105, सी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल ए दोनों को प्लस किया 195 आया, 180 पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, कोई बात नहीं। अगर मेरा एक एंगल पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हमेशा माइनस करेंगे, माइनस किया तो यह माइनस का 15 डिग्री। एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि ये एंगल है, नेगेटिव में कभी होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 2 डिग्री ही क्यों ना हो, होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में कभी पॉसिबल ही नहीं है कोई एंगल बनना। तो इस वजह से जो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी वो क्या होगी, फॉल्स होगी, ऐसा ट्रायंगल बनाया जाना पॉसिबल नहीं होगा, जिसको मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ट्रायंगल एबीसी जो गिवन कंडीशन है उसमें ट्रायंगल बनाया जाना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।